जाने आमिर क्या चाहते। मेरे ख्याल से तुम्हें मजीद मामू के पास जेल में जाके उनसे बात करनी चाहिए। तुम्हारा दिल अब तक उनकी तरफ से साफ नहीं था। तुम्हारे चले जाने के बाद तायम भी मर गई। आमिर, आपने खाना क्यों वापस भिजवा दिया? नहीं खाऊंगा। कैसे नहीं खाएंगे? अगर खाना नहीं खाएंगे तो दवा कैसे लेंगे? ना दवा लूंगा ना खाना खाऊंगा जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगी। कौन सी बात? क्यों, तुम्हें याद नहीं है मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या कहा था? तुम मुझे आसिफ से कब मिलवाओगी? ये बातें छोड़ें और उठें, खाना खा लें। नहीं खाऊंगा। आमिर, मैंने कहा ना नहीं खाऊंगा, नहीं खाना खाऊंगा, नहीं दवाई लूंगा। जब तक मैं आसिफ से नहीं मिल लेता मैं कुछ नहीं करूंगा। अब जाओ यहां से। जानते मैं कितनी खुश हूँ। मेरी जिंदगी की सारी ख्वाहिशें तुम्हारी इस एक खुशखबरी ने पूरी कर दी बेटा। बस आप दुआ में हमेशा याद रखेंगे। मेरी सारी दुआएं तुम्हारे लिए बेटा। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? आमिर अजीबोगरीब फरमाइशें कर रहा है। कैसी फरमाइश? आसिफ से मिलना चाहता है, माफी मांगना चाहता है। उसको कहो ये मुमकिन नहीं है। क्या हो गया उसे? नहीं समझे। फिर कैसे करोगी उसकी फरमाइश पूरी? और आसिफ कहां से आएगा? वो तो आ ही जाएगा। डर मुझे इस बात का है कि ये दोनों मिले और लड़ पड़े तो मैं क्या करूंगी। क्या मतलब? और कहां से आएगा आसिफ? यहीं रहता है इसी शहर में। तुम्हें कैसे पता? कुछ अर्से पहले मैंने उसकी सर्जरी की है। किसी ने गोली मार दी थी उसे। मारानी, ताहिर, ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ तो क्या गलत कहा मैंने? जो उसने तुम्हारे साथ किया है उसने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी। कम से कम सजाए मौत तो मिलनी चाहिए उसको। क्या हो गया ताहिर? मेरी ड्यूटी थी उसको बचाना, सो बचा लिया। सोबिया प्लीज डोंट टेल मी अभी भी तुम्हारे दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। ऐसा कुछ नहीं है ताहिर। मेरा प्रोफेशन, मेरी ड्यूटी किसी का मजहब, रंग, दोस्ती, दुश्मनी देखकर उनको ट्रीट करना नहीं सिखाती। और जो उसने तुम्हारे साथ किया है वो? उसका फैल उसके साथ है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं किसी की जान बचा सकती हूँ, जानबूझ के किसी की जान ले नहीं सकती। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हो तुम। अपनी जिंदगी ना दूसरों के लिए वक्फ किए जाओ। तो मुझे भी बताओ कि मैं क्या करूं। मेरे बताने से क्या होता है सोबिया, तुम कौन सा मेरी सुन लेती हो? अब तुम नाराज हो गए हो मुझसे। नहीं, मैं नाराज नहीं हूं। तुम्हारी जिंदगी है, जो करना है करो। ताहिर,
लव, आसिफ क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? आमिर, देखिए कौन आया। हाँ? आप मिलना चाह रहे थे ना, आ गया है आसिफ। आसिफ मेरा भाई। एक मिनट, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने कहा था सोफिया से मिलना चाहता था तुमसे एक बार। क्यों? माफी मांगना चाहता हूँ। किस बात की? तुम्हारे साथ की कई नाइंसाफियों की। तुम्हें पता भी है तुमने कितनी बार मेरा हक मारा है? इसीलिए तो तुमसे माफी मांग रहा हूं। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे माफी मांगोगे तुम्हें माफी मिल जाएगी? तुमने हमेशा मेरी हक तलफी की है। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी वजह से मुझे हमेशा दुत्कारा कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका प्यार उसकी मोहब्बत मुझ पर हावी पड़ जाए। लेकिन वो तो ये नहीं जानता था कि मुझसे मोहब्बत करके वो तुम्हारा हक नहीं मारता, बल्कि मुझ जैसे यतीम को और मुझ जैसे मोहब्बत के थरसे हुए शख्स को अगर वो प्यार या मोहब्बत देता तो वो भीख में देता और मुझे वो कबूल थी, मुझे उससे कोई मसला नहीं था। लेकिन उसने तुम्हारी जिंदगी बनाने के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और मैं हमेशा दर दर की ठोकरें खाता रहा, क्योंकि मेरी मां हमेशा तुम्हारी और तुम्हारे बाप की जूतियां सीधी करती रही इस डर से कि कहीं तुम्हारा वो जालिम बाप उसे और उसके बेटे को घर से ना निकाल दे। लेकिन तुम्हारे बाप ने वही किया, मेरे सर से छत छीन ली और मेरे सर से मेरी मां का साया छीन लिया। एक चीज भूल गए तुम, तुम्हारी मोहब्बत। आज पापा ने तुमसे तुम्हारी मोहब्बत भी छीन ली। वो तो जानते थे कि तुम और सोबिया एक दूसरे को पसंद करते हो, एक दूसरे के लिए बने हो, लेकिन शायद अपनी आदत से मजबूर होकर फिर भी उन्होंने अपने बेटे के नाम कर दी वो मोहब्बत। आदत थी उन्हें तुम्हें तकलीफ पहुंचाने की, दर्द देने की। लेकिन आज उन्होंने तुमसे तुम्हारी मां को नहीं छीना। हाँ, बदबخت शख्स मैं हूं जिसने तुम्हें और खुद को अपनी मां के साए से महरूम कर दिया। ये तो हाथों में खून है उस मां का जो चांद छड़कती थी मुझ पर, बेपनाह मोहब्बत करती पाल डाला मैं। कातिल हूं मैं, मुजरिम हूं सच्ची मोहब्बत का। माफ कर देना यार। तुम ऐसे मुझसे माफी मांग गए, खुद को और अपने बाप को इस जुर्म से बरी कर लोगे। जानता हूं मैं और मेरे बाप ने जितने जुल्म और ज्यादतियां तुम्हारे साथ की है वो कभी किसी माफी से खत्म नहीं हो सकते। पर आसिफ मैं इस बोझ के साथ नहीं जी पा रहा हूं और ना ही सुकून से मर सकूंगा कभी, इसलिए अपने मुजरिम को एक बार माफ कर दे। माफ कर दे मुझे, कर दे रहा है यार, तेरा क्या जाता है? आसिफ तुम देखते नहीं इनकी क्या हालत, उन्होंने अपने हर जुर्म का इतराफ कर लिया, गिड़गिड़ा कर तुमसे माफी मांग रहे हैं कि
इतने पत्थर दिल कब हो गए? माफ कर दो मुझे। मैं हर बार मेरी हक तलफी की है, मेरा हक मारा है तुमने, लेकिन आज मैं आसिफ मुनीर तुम्हें और तुम्हारे बाप को बल्कि पूरी दुनिया को माफ करता हूं। बैठ जाए यहाँ पे, आए बैठे आराम से। आज आप बता दें मुझे, क्या समझवाया आपने? क्यों इतनी देर देर घर से बाहर रहते हैं? आप जानते हैं ना, मैं अकेली इतनी परेशान हो जाती हूँ। आपको मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। बंदा बता के चला जाता है, फोन कर देता है, आप तो फोन भी नहीं उठाते। ना कोई गार्ड, ना कोई गाड़ी। आपको कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी, कहाँ ढूंढूंगी मैं आपको? मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आज आप मुझे बता दें, कहाँ होते हैं आप, किसके साथ होते हैं? बस खामोश, एक लफ्ज भी बाहर नहीं बोलना तुमने। चुप छूनी नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे मुंह से। आमिर, आप अभी तक सो रहे हैं? उठ जाएं, इतना देर हो गई है। आपको पता भी है कि मैं आपके बगैर नाश्ता नहीं करती हूं। आप अभी तक नाराज हैं मुझसे? अच्छा चलें उठे ना। मैडम,
कपड़े निकाल दिए। क्या कहीं जा रही हो? मैं नहीं, आपके कपड़े इस्त्री कर दिए। लेकिन मैं तो इद्दत में हूँ। मैडम 4.5 माह गुजर गए हैं और अब तो हॉस्पिटल से बहुत कॉल्स आ रही हैं। अच्छा लगा जैसे वक्त रुक गया है। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, वक्त नहीं रुकता, हम गुजर जाते हैं और हमें वक्त के साथ ही चलना पड़ता, ना आगे ना पीछे। आप नाश्ता लगाएं, मैं तैयार होकर आती हूँ। जी बीबी जी। किस्मत ने हमारे साथ जो किया सो किया, लेकिन अब मुझे लगता है हमें एक और मौका मिला। किस चीज का मौका? जिंदगी बदलने का, वक्त बदलने का। तुम कैसी बातें कर रहे हो? सही कह रहे हो। जब से तुमसे मिला मुझे तुमसे ऐसा ही लग रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता आसा, भूल जाओ। कोशिश की थी मैंने लेकिन नहीं भूल पाया। जब भी किसी के साथ था या फिर किसी के साथ करीब आने की कोशिश की है तो तुम्हें ही ढूंढा है, तुम्हारा चेहरा तलाश किया है, तुम ही नजर आई हो मुझे। तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो। सोचो अगर ऐसा होता ना तो आज हम दोनों साथ होते, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा तुम चाहते हो वैसा कुछ भी नहीं, भूल जाओ वो सब कुछ। अगर ऐसा नहीं होता ना तो हम इस तरह दोबारा कभी ना मिलते। तुम इस तरह मेरी जिंदगी में नहीं आती, तुम इस तरह मेरी जान नहीं बचाती। इसका कोई 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 तो वजह होगी। इसका हरगिज नहीं हो सकती। प्लीज जाओ यहां से। ऐसे नहीं जाऊंगा, मुझे तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। जब तक तुम मुझसे ना साथ देने का वादा नहीं करती मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ये कोई फिल्म नहीं चल रही, असल जिंदगी है और असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? जाओ यहां से। सुबिया, हर दुआ में तुझको मांगा पर तू ना मिला। तेरी राहें तकते तकते बन गया दिल जला। दिल तो दुखा है ना पर याद किया है। एक लफ्ज भी और नहीं बोलना तुम्हें। मुझे इन्वेस्टिगेट नहीं करना, तुमने मुझसे कुछ नहीं पूछना। मिस्टर मुझे प्यार ना मिले, मुझको मेरे दिल ने रोका, दिल दिया और मिल गया धोखा। खो गए हम खुद में ऐसा क्या हो गया? मुझको मेरे दिल ने रोका, दिल दिया और मिल गया धोखा। खो गए हम खुद में ऐसा क्या हो गया? तुमने बुलाया था? हाँ। मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता। किसी की जान ले सकते हो? ये तुम क्या कह रही हो? आसिफ वापस आ गया, मुझे परेशान कर दिया है उसने। साइका, साइक, मुझे आपसे एक बात करनी है, बहुत जरूरी है।
देखिए हमारे बीच में जो भी मसले हैं हमें उनका हल निकालना चाहिए। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि जिस बात को मैं बहुत बड़ी और ज़रूरी समझ रही हूँ वो आपके लिए बहुत छोटी और बेकार सी हो। इतनी लंबी तमहीद क्यों? आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और कुछ चीज़ें आप बर्दाश्त नहीं करते हैं। मेरी नेचर है ये। देखिए मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप किसी के लिए और ख़ास तौर पर मेरे लिए कुछ भी बदलें, लेकिन ये रिश्ते बहुत अच्छी तरह निभाए जाते हैं। रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये तुम बताओगी मुझे? एज अ लाइफ पार्टनर बताना तो मुझे ही चाहिए। मैं ही बताऊँ तो अच्छा होगा, क्योंकि करनी तो मैंने अपनी मर्जी है। जानती हूँ। तो फिर क्यों जाया करती हो वक्त मेरा और सिर्फ मेरा ही? क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, शदीद मोहब्बत। अच्छा, तुम्हारे स्टोन से लहजे से ये जो लेक्चर तुम दे रही हो इसे तो मुझे यही लग रहा है कि तुम तलाक लेना चाहती हो। प्लीज ऐसे नहीं कहे। देखो तुम्हारे दिमाग में ना इस वक्त बहुत तोड़फोड़ मची हुई है, संभालो खुद को नहीं तो अपना ही नुकसान कर बैठोगी और मेरा कुछ नहीं जाएगा। जब एक शौहर अपनी बीवी को बिला वजह नजरअंदाज करे, कुछ दिन मोहब्बत उधार देकर वापस छीन ले, बिना किसी गलती बिना किसी खता अपना रवैया बदल ले और दूर रहने लगे, तो क्या कहेंगे आप ऐसी बदनसीब बीवी को? बताए। Shut up. क्या सोचा तुमने? तुम फिर आ गए। क्या सोचा तुमने? कुछ नहीं सोचा मैंने। ऐसा हो ही नहीं सकता तुम कुछ ना सोचो। अच्छा, इतना जानते हो मुझे? तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। क्या कर सकते हो मेरे लिए? कुछ भी, आजमा के देख लो। जान दे सकते हो? जान ले भी सकता तुम्हारे लिए। मुझे देर हो रही है, हॉस्पिटल जाना है। जी 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 ठीक है, वो मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, फिर मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करके कंफर्म कर देती हूँ। ओके ऑल राइट, हाफिज। तुम जानती हो उसकी शादी हो गई? क्या? उसकी बीवी सदफ उसके साथ ही रहती? नहीं, वो तो उसकी कजन। ओ, क्या हुआ? कुछ नहीं, लगता है बहुत अफसोस हो रहा था। किस बात का? उसकी शादी शुदा होने पर। मुझे क्यों अफसोस होगा? और तुम ये क्या सोच रहे हो, तुम्हारा दिमाग ठीक है? मुझे क्यों अफसोस होगा कि उसकी शादी हो गई? मुझे तो बल्कि हमदर्दी हो रही है उसकी बेचारी कजन से। कुछ नहीं बदला, वैसे का वैसा ही है। और अगर बदल जाता तो? ये सब आपको किसने बताया? ऐसी बातें छुपी नहीं रहती, और मेरा यहाँ आने का सिर्फ ये मकसद था कि मैं आपको खबरदार करूं। किस बारे में? तुम्हारे और सोबिया के बारे में।
How dare you? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे घर में आए और तुम होते कौन है मेरे जाती मामलात में बोलने वाले? देखो आसिफ, तुम एक सेकंड जहांदा, तो इसका मतलब है कि जो कुछ भी उन्होंने कहा है सब सच है? जाओ यहां से। इनको निकालने से क्या होगा, बात बदल जाएगी। अगर ये ना भी बताते तो मुझे पता चल जाता। इतने दिनों से जो आपका रवैया बदला हुआ है, शक तो मुझे पहले से ही था। I said leave. शुक्रिया मुझे यकीन दिलाने का। तुम कब भाग रहे हो? भाग नहीं रहा, जा रहा हूं। और वैसे भी भागते वही लोग हैं जो गलत काम करते। मैं तो नहीं भाग रहा। होश में आओ आसिफ, अपना घर बर्बाद मत करो। सोबिया के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम अपनी किस्मत से नहीं लड़ सकते। ताहिर को तुमने भेजा था? मैं क्यों भेजूंगी? अच्छा, बहुत हमदर्दी हो रही है उसे मेरी बीवी के साथ। तो ये तो अच्छी बात नहीं। क्या अच्छा और क्या बुरा, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। तभी जिद पे अड़े। तुम जानती हो, तुम तो फिर बस करो आसिफ, छोड़ दो अपनी ये जिद। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि मेरे और तुम्हारे रास्ते जुदा हो चुके हैं? पहले छोड़ दिया था ना, अब नहीं। जिंदगी में काफी चीजें छोड़ी है मैंने, बहुत कॉम्प्रोमाइज किए, लेकिन अब नहीं। मैं कोई चीज नहीं हूं आसिफ, जिसे हासिल करना तुम्हारा एक मकसद है। तुम मुझे सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दो कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि तुम शादीशुदा हो। तो तुम्हारे नजदीक ये बात कोई मायने नहीं रखती। चलो मान लेते हैं एक लम्हे के लिए, मान लेते हैं कि अगर मैं हां कह दूं, क्या करोगे तुम? छोड़ दोगे अपनी बीवी को? नहीं ना, जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ। मैंने ना अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा। जब भी जो भी मांगा है ना, मुझे नहीं मिला मेरी मर्जी से। अब मैं सोबिया को खो नहीं सकता। मैं उसे चाहता हूं, मैं उसे अपनाना चाहता हूं, मैं उसके साथ रहना चाहता हूं अभी। और इसलिए मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं, तलाक दे रहा हूं।
बॉस बॉस मैम जा रही हैं। जाने दो। वो मैं इस बॉस उन्हें अगर किसी चीज की जरूरत मुझे तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपको आपका हिस्सा नहीं चाहिए। जब जिसके साथ की जरूरत थी वो नहीं मिला तो कौन सा हिस्सा। मैं अपना बोझ खुद उठा लूंगी। जाओ तुम देखो जाओ। सोबिया गांधी जी ने मत में लेने आ रहा हूं। क्या मतलब ये कि अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने सदस्य को डिवोर्स दे दिया। क्या ये क्या कर दिया तुमने? क्या क्या कर दिया? जो किया तुम्हारे और अपने लिए किया मैंने। लेकिन क्यों उस लड़की को क्यों सजा दी थी तुमने? वो तुमसे प्यार करती थी। तुम जानते हुए तुमने किया क्या है? हाँ जानता हूँ मैंने किया है क्या है। अब जो भी हमारे बीच आएगा ना वो डाल दिया जाए। नहीं आसिफ तुमने उस बेचारी लड़की की मोहब्बत को ठुकरा दिया। गलत किया है तुमने उसके साथ। तुम छोड़ो उसे, तुम उसके पीछे क्यों लगी हुई हो? तुम अपनी बात करो। हाँ अब हम साथ होंगे, कोई नहीं रोक सकता और एक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। It'll be fun. नहीं आसिफ तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। वो लड़की तुम्हें बचपन से चाहती थी और तुमने उसे ठुकरा दी। आज तुमने अपनी जिंदगी में उस एक शख्स को भी खो दिया जिसने सिर्फ तुम्हें चाह बचपन से। शायद यही सजा थी तुम्हारी। सारी जिंदगी अब तुम सच्ची मोहब्बत की तलाश में ही घूमते रहोगे। तुम बोल क्या रही? मैं उसे छोड़ा है तुम्हारे लिए, तुम मुझे तुझको मांगा पर तू न मिला। तेरी राहें तकते तकते बन गया दिल जला। दिल तो दुखा है ना पर याद किया है ना। आंसू मेरी गवाही पर सारे आसमां जले। जो सितम हुए अभी कम हुए मुझे प्यार न मिले। मुझको
मेरे दिल ने रोका, दिल दिया और मिल गया धोखा, खो गए हम खुद में ऐसा क्या हो गया। मुझको मेरे दिल ने रोका, दिल दिया और मिल गया धोखा, खो गए हम खुद में ऐसा क्या हो गया।